हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है सिर्फ ओनली वन मेरे पापा की याद में, कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। 2016 आज की डेट 7/6 पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे, हमें सबको छोड़ के चले गए थे। कुदरत ने ही पापा को छीना, कुदरत ने ही भेजा, कुदरत ने ही छीना। एक आंधी आई, बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी। तो ये हमारे पापा हैं, कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस कुछ यादें हैं, और जब तक मैं रहूँगी, और ऐसा कुछ नहीं है व्यू के लिए, व्यू वाली कोई बात नहीं है, बस याद है। एक बेटी अपने पापा को याद कर रही है, क्योंकि पापा मम्मी तो दुनिया के लिए एक ही होते हैं, लेकिन हर माँ बाप, हर बच्चों के लिए अपने माँ बाप उनकी पूरी दुनिया होते हैं। तो शायद ऐसा किसी कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरे पापा हैं ना, बहुत प्यारे, बहुत स्मार्ट थे और बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर बच्चों के लिए उसके पापा ना, पापा जो होते हैं ना, रियल लाइफ के हीरो होते हैं, रियल लाइफ के हीरो। तो वैसे ही हमारे भी पापा हमारे लिए हमारे हीरो थे, हीरो से कम नहीं थे। ये हमारे पापा हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो बस उनकी यादें हैं। जब तक मैं रहूँगी, जब तक, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज ही हमें दुनिया से छोड़ के गए तो आज ही याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी याद हमेशा रहती है, वो हमारे बीच में रहते हैं। बस उनकी याद में बनाया है श्रद्धांजलि के लिए। तो आप लोग को मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो होते ना तो वो खुद अपना वीडियो खुद शूट करवाते हैं, मैं चाहती हूँ कि दुनिया जाने कि अजय जायसवाल कौन थे, मेरे पापा कौन थे। तो ये है हमारे पापा, ठीक है, हमारे पापा हैं अजय जायसवाल। तो मेरी सक्सेना में शादी हुई है, तो मैं सक्सेना हो गई, लेकिन मैं जायसवाल कंट्री, ये मैं हूँ, मेरे बचपन का फ़ोटो है, और ये मेरे पापा हैं, प्यारे से, स्मार्ट से मेरे पापा, हमारे पापा मतलब, ठीक है ना। तो पापा के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं गाऊँगी उनकी याद में, और आप लोग को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सॉन्ग हर उस व्यक्ति के लिए है जिस समय अभी उड़ीसा में आया है ना, क्या हुआ था, ट्रेन पलटी थी ना हमारे पापा पर, जिस समय एक्सपायर हुए थे। हमारे कानपुर में भी 2016 में एक ट्रेन इसी तरह दुर्घटना हो चुकी थी। तो सभी के ऊपर होता है, लेकिन मम्मी पापा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जब मम्मी पापा का हाथ सर पे होता है ना, दुनिया की कहीं भी हम होते हैं तो हमें मालूम है कि हाँ, हम आराम से बादशाह की ज़िंदगी जी सकते हैं। अकेले तो रहना ही है, वो तो दुनिया की हकीकत है, लेकिन एक सच भी ये भी है, हमारे मम्मी पापा का हाथ सर पे होता है तो बहुत अच्छा फील होता है कि दुनिया में कहीं भी हम लड़ाएंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं, है ना। तो मेरे पापा हैं, मेरे बर्थडे में डांस कर रहे हैं। तो कुछ पंक्तियाँ करती हूँ मैं उनकी याद में, और किसी को दुख नहीं करना चाहती, बस आप लोगों के साथ अपने पापा को शेयर कर रही हूँ और याद कर रही हूँ उनको, बस और कुछ नहीं है। कोई दुखी मत होना, कोई परेशान मत होना, बस। और हमेशा मैं रहूँगी तो अपने पापा को हमेशा लाऊँगी, हाईलाइट करूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से ही दुनिया में हूँ, है ना। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, बीच में तो बुआ है हमारी, अगल बगल बीच में बुआ है, ये पापा है मेरे, देख लीजिए, स्वर्गवासी अजय जायसवाल। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, यहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, यहाँ तुम चले गए, दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, यहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस दिन थे कहाँ हम।
यहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, यहाँ तुम चले गए। हर वक्त यही है गम। आई मिस यू पापा, आई मिस यू, आई लव यू पापा।